आज चैप्टर का लास्ट दिन क्वेश्चन नंबर 17। तीन क्लास होगी ना अब तक, चौथी क्लास आज, बस आज ही लास्ट क्लास है इसकी। आज ही घर जाके फिर उपयोग कर देना इसमें। क्वेश्चन नंबर 17, कितना आसान क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन। देखो ये खंभा, देखो क्लास नंबर हमारी आज की क्लास नंबर है 4। ये खंभा एक बहुत लंबा, ठीक है, एक एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर खराबी आ गई, इसमें 5 मीटर ऊंचे खंभे को खराबी आ गई, 5 खंभा है क्यों, इसकी लंबाई पता कितनी, 5 मीटर, कितनी, 5 मीटर। ए इसका नाम बी, ये खंभा इसकी लंबाई है 5 मीटर, ऊपर आ गई इसमें खराबी, आगे खराबी, मरम्मत करने का काम दिया गया, ठीक, तो इसके शिखर पर ना, तो यहाँ से ऊपर एक 1.3 मीटर की ऊंचाई पर, 1.3 मीटर की ऊंचाई पर ना यहाँ खराबी आ गई, इसमें यहाँ खराबी आई, 1.3 मीटर की ऊंचाई पर खराबी आ गई, ठीक। उसके बाद तो मिस्त्री बता क्या करा, यहाँ उठाया और सीढ़ी लगा दी, यहाँ से मिस्त्री ने, मिस्त्री आया उठाया और सीढ़ी लगा दी, यहाँ से सुना कर ये लगा दी सीढ़ी, और इसको चढ़ गया ना उसको खराबी को ठीक कर रहा मिस्त्री को, समझ में आया बात है, अरे सीढ़ी ने पता 60 डिग्री का कोण बनाया थी, पता लग गया जी। पता क्या करना, हमें यह याद करना जो सीढ़ी है, ठीक, वह सीढ़ी इस खंभे तक कितनी दूरी है, यह वाली दूरी निकालनी, मुझे पता कितनी दूरी है, एक्स निकालनी, इसका नाम सी होगा, इसका नाम कितना होगा, डी होगा, दिक्कत तो नहीं अंत तक, तो मैं ये दूरी का मान निकालना कितना, कि जो सीढ़ी है ना वह इस खंभे से कितनी दूर रखी हुई है, यह निकालनी है वो दूरी, समझ गए सवाल क्या है, कोई दिक्कत यहाँ तक, पहले उन्होंने बता दो मुझे पूरी दूरी कितनी है, पूरी पूरा पूरा खंभा कितना, यहाँ तक की दूरी कितनी, 1.3 मीटर, क्योंकि खराबी हाँ ये आया समझ में, वो खंभा लगा सीढ़ी लगा चढ़ेगा खंभे पर और वो प्लास्टर टाइट कर रहा चूड़ी, समझ में आई बात है। उसके बाद यहाँ पूरी पूरी दूरी कितनी है, 5 मीटर, 5 मीटर 1.3 घटा देंगे, ये 5 मीटर घटा दोगे आप 1.3, तो घटाओगे तो कितना बैठा गया बताओ, 10 मीटर तो 3 घटाओगे 7, कितना बच्चा गया 4 मीटर 1 घटाओगे 3, तो 3.7, तो यहाँ तक की दूरी कितनी आई टोटल है, 3.7 मीटर, तो 3.7 मीटर आई है दूरी यहाँ तक की, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, तो यहाँ तक टोटल दूरी कितनी, 5 मीटर 1.3 घटाओगे कितने, 3.7, 3.7, तो 5 है पूरी, 5 मीटर यह घटा दोगे 1.3, तो घटका जाएगी 3.7 मीटर, तो यहाँ तक की दूरी 3.7 मीटर आएगी, दिक्कत है किसी कुछ यहाँ तक, तो यह दूरी मुझे पता ही लग गई, यह निकालनी, यह क्या है, लंबनी है या धारनी है, तो लंब आधार में देखो कौन संबंध, लंब आधार में कौन संबंध है वो, किसका सूत्र लगाना पड़ेगा मैं, तो त्रिभुज का नाम बताओ, उसका त्रिभुज का क्या नाम है, त्रिभुज का, त्रिभुज डी सी बी में, डी सी बी में, अच्छा तो सूत्र लगा होगा टेन थीटा बराबर सूत्र हो, टेन थीटा बराबर लंब बटे, ये तो सूत्र हो, तो टेन झुका तो हूँ थीटा का मान 60 बराबर लंब का मान कितना, लंब का मान यहाँ तक देखा तक का 3.7, आधार का मान कितना, आधार का मान x, उसके बाद टेन 60 का मान √3 बराबर 3.7 कितना 7, ये कितना x, इसे दिल ले जाओ इसे नीचे ले जाओ, x बराबर बैठेगा 3.7/√3 बैठेगा नहीं, गुणा कर देंगे ऊपर √3 से गुणा कर देंगे, ऊपर √3 से गुणा कर देंगे नीचे, x बराबर बैठेगा 3.7/√3 में कितना 3, सही है कुछ इतना बता दो, कोई दिक्कत होगा यहाँ तक, समझ में आ रही बात, यार इसे भाग दे देंगे, तो भाग देने के बाद भाग रहे तो ऐसे भी कर सको हम कि यहाँ ना √3 इसका मान रख देंगे 1.3732 हो √3 का मान, 3.7 × 1.73 जो √3 का मान हो, जिसे नहीं पता ना √3 का मान याद कर लिया आगे भी यूज होगा, 1.73 हो उसका मान, 1.732 हो वैसा 1.73 यूज कर ले, √3 का मान याद कर ले, जैसे √2 का मान पता कितना, √2 का मान, √2 का मान हो 1.414 बटे में कितना बैठा गया 3, तो इसकी समूह गुणा करके ना इसकी समूह गुणा करके भाग दे लिया 2.14 आ जाएगा, पता क्या कराया हो, पता कैसे कराया हो, इसकी समूह गुणा करके 3 तक भाग दी, गुणा कर दी इसके आपस में, फिर क्या करा 3 से भाग दी, 3 से भाग दिया करके आ जाएगा 2.14 के आसपास, कर दोगे ठीक, पता लग जाएगा ये सीढ़ी ना इस खंभे से कितनी दूर है, 2.14 मीटर की दूरी पर, 2.14 मीटर की दूरी पर क्वेश्चन नंबर 17 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 मेरे तरफ से अभी समझो, समझ में आया नहीं बात, बाद में नहीं समझना, अभी समझो फिर उसके बाद उतारना दोनों सवाल ये, क्वेश्चन नंबर कौन सा 18, फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा कि पूरा नोवा चैप्टर कैसे कैसे करोगे, कैसे कैसे समाप्त करोगे, तुम सारा खुद ही कर लोगे, तुम मुझे करवाने कोई जरूरत नहीं है, मैं तो एडवांस सवाल पढ़ा रहा था, 20 सवाल मैंने एडवांस पढ़ाए तुम्हें, समझ में आई बात है, फिर नोवा चैप्टर तुम सारा खुद ही उठा दो, आज घर जाकर सारा उठाना, एक एक सवाल चेक होगा, समझ में आई बात है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर कौन सा 18, सुनो ध्यान लगाएगा,
कदम बढ़ाए जा। 1.5 मीटर, देखो ध्यान से, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, एक मनुष्य, इसकी लंबाई 1.5 मीटर, 1.5 मीटर लंबाई वाला एक प्रेक्षक मनुष्य कोई, ये पता क्या कर रहा, यो एक चिमनी कहीं, कुछ चिमनी लगी हुई कहीं, ये लगा वट्टा, हाँ लगा हुआ चिमनी लगी हुई है, और जो चिमनी लगी हुई है ना, या इस 28.5 मीटर की दूरी पर, 28.5 मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर, कोई दिक्कत है तक आंखों से चिमनी के शिखर का, उन्होंने कौन पता कितना, ये आंख यहाँ इसकी आंख होगी, दीदे ही तो होंगे इसके, और चिमनी का शिखर होगा यहाँ इसका, उन्होंने कौन देखा 30-45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री दे रखा, नहीं दे रखा, उसके बाद चिमनी की ऊंचाई याद करनी है, चिमनी की टोटल ऊंचाई याद करनी, चिमनी की कितनी लंबी है, ए इसका नाम, ए इसका नाम, बी इसका नाम, सी इसका नाम, कितना, डी, ये नहीं पता मुझे कि चिमनी की लंबाई की टोटल कितनी, चिमनी की लंबाई ये नहीं पता मुझे, समझ में आई बात है, हाँ ये याद करनी, ए बी सी डी, इसका नाम क्या बैठा था, ई बैठा था, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो चिमनी की टोटल लंबाई याद करनी मुझे, ये मेरा सवाल है, कैसे करूँ, चलो आ जाओ कैसे करते, देखते हैं कैसे करते हैं, कैसे करोगे, देखो चिमनी लंबाई कैसे याद करोगे, यहां तक की लंबाई कितनी, 1.5, तो यहां तक की भी कितनी हो गया, देखने में याद हो रहा, क्योंकि आयत की आमने सामने की जो लंबाई हो ना वो हो बराबर, ऐसे समझ में, अगर यह 1.5 मीटर तो यह भी कितनी होगी, 1.5 मीटर, समझ में आई बात, यह 28.5 तो यह भी कितनी होगी, ऐसा मान के चलते हैं 28.5 होगी, कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी कुछ प्रॉब्लम पता लग गया यहाँ तक, 28.5 होगी, अब ऊपर एक बात बताओ, जब यह पता लग गई तो आराम से पता लग जाएगी, जब यह पता लग जाएगी आराम, जब यह पता लग जाएगी इसमें से जोड़ देंगे और तुरंत चिमनी की लंबाई पता लग जाएगी, तो ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं इसमें, देखो आराम से इस वाली त्रिभुज में लेंगे, लेना सिखा रखा मैंने किस तरह रहते हैं, समझने की बात क्या है, हम इस वाले त्रिभुज में लेंगे, उस त्रिभुज वाले इस वाले त्रिभुज में लेंगे ना, ये और ये करके ये वाले निकल जाएगी, और जब ये वाले निकल जाएंगे ना, हम इसको जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद क्या होगा, सुनो जोड़ने के बाद क्या, जोड़ने के बाद इसकी पूरी चिमनी की लंबाई निकल जाएगी, ओके जी। चले एक काम करो, त्रिभुज में ले लो, पहले ले लो त्रिभुज का नाम बताओ, ए सी ई में कौन सा तो लगा, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये तो लंब होगा, ये आधार होगा, टेन झुका तो हूँ, थीटा का मान 45 हुआ, बराबर लंब का मान, आधार का लंब का मान कितना, सी ई, आधार का मान कितना, ए ई, है नहीं, 10-45 का मान कितना, एक, सी ई का मान क्या करना, डालना, ए ई का मान कितना, 28.5, इस किस में गुणा कर देंगे, सी ई बराबर आ जाएगा 28.5, सी ई का मान 28.5 आ गया, 28.5, लेकिन क्या क्या चिमनी की पूरी लंबाई निकली, पूरी लंबाई कैसे निकलेगी, 28.5 में 1.5 जोड़ देंगे, तैयार निकलेंगे चिमनी की लंबाई, किसकी, चिमनी की लंबाई, लंबाई अगर चिमनी की लंबाई निकालनी हो भाई, तो जोड़ दो 28.5 और जोड़ दो उसमें क्या जोड़ दोगे, इसमें 1.5, और जैसे ही जोड़ दोगे तो 5 और 5 10 की 0, और इस 30,000 दिखे दो भाई, 28.5 में 1.5 जोड़ दो, दुकान में नहीं काम करा गया, 30 मीटर, तो चिमनी की लंबाई निकल गया 30 मीटर, इतने आसान आसान सवाल, कितने सवाल हो गए, 18, दो सवाल और करवाने, ये 3 सवाल भी करवा सकता हूँ, मैंने ये कहा था 21-22 के आसपास में सवाल करवा दूंगा तुम्हें, तुम्हें एक बात है, इसके करवाने के बाद ना फिर मैं तुम्हें जाऊँगा किताब के सवालों पर, और किताब के सवाल तुम ऐसे उड़ा दोगे, ये पढ़ा चलो उड़ा दो, हाँ गाँव के बच्चों ने बता दो टूर की क्या जरूरत है, एक बात बता दो, इतनी घर की घास खाकर डांती क्या टूट आ रही, सारी टूट आ रो जा, समझ में आया बात है, गाँव के बच्चों को टूर की कोई जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से पता क्या है मेरा मानना, एक बात बताओ, जेमनी है अन्ना नाम रख दिया भगवान ना, आया समझ में, जब जब ट्यूशन की फीस का चक्कर नंबर आओ तो ये सोचने वाली बात है, और जब टूर पर चढ़ने का नंबर आओ चलो चढ़ लो चढ़ लो, जब बारात में आवा फिर 2500 रुपये जोड़ा फैटा कर निकले, समझ में आया बात है, इसलिए तो मैं डिस्काउंट नहीं देता, पता लगे मैं डिस्काउंट क्यों नहीं देता, समझ में आया बात है, 2500 रुपये का जोड़ा पैर कर निकले हैं, ये वही खिलाड़ी हो क्यों, ये बताओ कि इनके अंदर ना इनके लिए
घूमना ज्यादा बढ़िया और वो सब पहले, और घूमोगे कहाँ, पूरी जिंदगी लोकल में घूमोगे, सत्य बात है, पूरी जिंदगी भर लोकल लोकल में घूमोगे। धुंधला कहाँ आ रहा है? समझ में आया भाई? चुप हो जाओ, बात ना करो, सुन लो, समझ में आया बात? यार अगर अभी लोकल में घूमोगे ना तो पूरी जिंदगी लोकल में ही घूमोगे, आज समझ में? अभी तो देहरादून जा रहे हैं, घूमते घूमते इतने लोकल हो जाएंगे, कुछ दिन बाद ना टिपर में आने की कंपनी सीट गुल जाएंगे। यहाँ तो को बात हो जा, और जो भी किताब पर बैठा हुआ होगा ना, जो तूर तूर ये तूर तूर जो तूर नाम का पतंगा लगा हुआ है, ये जो किताब पर बैठा होगा ना, घिस रहा होगा पैन, वो पता क्या करेगा, देहरादून को पार करके वहां जाओ जूली ग्रांट एयरपोर्ट पर बैठ कर वहां तो बेंगलुरु की फ्लाइट में जाएगा। समझ में आया बात? ये तो खुद सोच लो करना क्या, कि किताब पर बैठ कर, ओ किताब पर बैठ कर बेंगलुरु वाली फ्लाइट में जाना या टिपर मैन शेड्यूल में जाना? समझ में आया बात? ये बताए दो बात सही है गलत है? उसके लिए जो बच्चा टूर पर चला गया, ऐसा क्या मतलब, उसने पढ़ाई को प्राथमिकता नहीं दी, उसने घूमने को प्राथमिकता दी। समझ में आई बात? यार उसने अपने टीचर को सेकेंडरी रख दिया और अपने घूमने को प्राइमरी रख दिया, ये मतलब है उसका? बदतमीज है ना, मैं तमीज थोड़ा ही उनके भीतर। बच्चे को यार नूर बतानी, पहले चैप्टर में कौन सा सवाल किस तरह निकल लगा, सवाल किस तरह होगा, वो टूर पर घूमता फिर रहा हो, बताओ कितनी बुरी हालत होगी, सवाल उसको हो नहीं रहा, एक भी सवाल नहीं आता पूरे मैथ में, तो ऐसा समझ, सेल्फी उठाकर फोन खींच रहा है, उसके फोन माथे में मार फेंक कटाएगा, कहीं का टूर, कहीं की पिकनिक, आया कुछ है नहीं, टूर पता किस टाइप का हो, चला गए, मास्टर कह रहे देखो देखो वो क्या है, और सामने बाबू सोना खड़ी हो देख रहा ये देखो क्या है। ये टूर हो, समझ में आई बात? यार मास्टर तुम कह रहे कितनी अच्छी जगह है, ये बच्चा लड़के लड़की आपस में लगे इधर साइड में देखो कितनी अच्छी जगह है। ये चल रहा है, यही तो हो टूर, यही होगा टूर, किसी को पता हो, ओरिजिनल टूर यही हो, जिसका काम कहीं नहीं चलता ना, जिसका काम कहीं नहीं चलता, टूर पर आराम तो चली जा। किताब हाथ में होती नहीं, मास्टर कुछ कहते नहीं, फिर ही छोड़ दे, जाओ बेटे वही कहानी, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। अरे सिमरन नहीं होनी होते क्या, क्या कहते हैं पिक्चर देखे दिल वाले दुनिया नहीं आएंगे, अमरीश पुरी क्या कहो, सब बात में जाएगा, यूं तो कहो जा जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। तो यू टूर हो, पता लगा टूर का मतलब क्या हो, यह टूर नाम की बला। एक तो हो मूर्ख, महामूर्खों की भी जो मूर्ख हो ना, वे जाओ टूर पर क्लास छोड़ गए, कोई भी किसी के साथ जबरदस्ती थोड़ा ही कर देगा। लेकिन वही इंसान वहां तो कुछ ना कुछ सीख के आओगे, तो गारंटी है 70% निगेटिव चीज सीख आगे, लिख कर दे रहा हूँ, जो भी टूर पर जाएंगे 70% निगेटिव चीज सीख आगे, दिल में एक ही भावना जाग गई, वहाँ अलग अलग जोड़ टूर पर गए घूमने, और टूर पर एक दूसरे के साथ बाहु में हाथ डाल के चल रहा है पड़ोस में कोई, ये तो टूर पर खड़े हुए हैं बच्चे लड़के, एक कोई हमारे जैसा खिलाड़ी कोई ऐसे समझ में बाबू सोना के साथ ऐसे जा रहा है, तो पता क्या सोचोगे, जो गाँव के बच्चे जाएंगे, तो गाँव के बच्चे जाएंगे पता क्या सोचोगे, गाँव के बच्चे जाएंगे पता क्या सोचोगे, यार अब तो बना भी फर्जी बना, ये ओ टूर इनका, ये होगा विचार, ये जा रहे टूर पर घूम, पता लग गया टूर क्या हो। और बताऊं टूर के बारे में, बहुत है ना, मजा आ रहा नहीं आ रहा, वीडियो खोलो दिखाई ना, खोलो ये पड़ा था टूर टूर। चलो चुप जाओ, क्या कह रहे, अब बता धुंधला आ रहा, मतलब हो क्या रहा, जब मैं लिख रहा ना बोर्ड पर तो सही आ रहा, अब तो मैं हाथ अटका, हाँ,
देखो एक सवाल और चले। भूमि पे एक बिंदु कोई पी, कोई दिक्कत यहां तक? और यहां एक बिंदु होने के बावजूद 10 मीटर ऊंचा एक भवन, एक भवन है 10 मीटर ऊंचा, समझ में आया भाई? हमारे टाइम पर तो हुआ नहीं करते थे टू टार, मैं तो कभी स्कूल में नहीं गया यार, और यही कारण है बहुत दूर दूर घूम लिया, मजा नहीं करा। मैं बता तो दिया, मैं कभी स्कूल में नहीं गया, ना मैंने कभी कोई टूर अटेंड करा, ना कभी कोई पिकनिक, ना मेरा कोई दोस्त था, तो यही कारण मैं बहुत दूर दूर घूम लिया, क्योंकि मैं किताब बैठा हुआ था, मैं टूर पर नहीं घूम रहा था, समझ में आया बात यार? मेरे पास जो पढ़ा हुआ बच्चा ने टॉप कर रखा है, एक दिन पूरी क्लास में छुट्टी दिया उसकी, 9 से पढ़ रहा था, 9 तो पूरे साल जो टॉप कर रखा है, जो हाईएस्ट लिस्ट में आया, 9 तो पढ़ा तो 9 में क्लास से छुट्टी नहीं है, पूरी 10th पढ़ा 10th में एक क्लास में छुट्टी नहीं है, सोच रहे थे कितना खतरनाक डेडिकेशन ना होगा बच्चे का, पूरी 11th क्लास में एक भी छुट्टी नहीं है बच्चे की, पूरी 11th क्लास में आया समझ में, और नौकरी भी यूँ करके नौकर हटना है, चलो अटक तेरा नौकरी छोड़ दो, चलो या पड़ी नौकरी नौकरी कुछ नहीं है, जिसकी भी छुट्टी नहीं है सोच सको तुम, समझ रहा बात? 12th क्लास में भी छुट्टी नहीं है, ऐसा ऐसा ब्रांड पड़ा हुआ है, समझ रहा? इसे क्या डेडिकेशन मिला? ऐसे पीस तो नहीं मिलते भैया, बहुत मुश्किल मिला। पिछले दो साल पहले पढ़ा था अभी इस तरह का बैच, जबरदस्त नंबर, भयंकर वाले नंबर, पूरे साल में भी छुट्टी नहीं है। जी जी टू टार वाले हो ना, जिनके रिजल्ट आ गए ना, ये वही हो जो जो गोड्डों में सिर देकर वो नीचे धरती पे कोली पकड़ कर, ये भी तो हो है। हाँ ये टूर वाले जिस दिन रिजल्ट आओ ना, ये धरती कोली पकड़ कर, हाँ क्या होगा वो धरती की गोली आती नहीं, धरती में गोली मारती नहीं तो धरती पड़े पड़े रहोगे। पर सोच लो, अच्छा यहाँ भवन है, इस भवन की ऊंचाई बता कितनी? 10 मीटर। बहुत आसान सवाल है, देख लो 10 मीटर भवन की ऊंचाई है। ओके अच्छा कौन सा सवाल है? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, 10 मीटर ऊंचा भवन और 10 मीटर ऊंचा भवन, तो यहाँ तक यहाँ तक का जो कोण दे रखा है वो 30 डिग्री, भवन के शिखर का कोण 30 डिग्री। पता बाबू क्या हो रहा है? इसके ऊपर ना एक झंडा लहरा है, लहराओ लहराओ, झंडा लहरा रखा है, झंडा उल्टा लहरा रहा है, भावनाएं देखो, भावनाएं भावनाएं बैग की थी। और यहां से लेके यहां तक झंडे के शिखर तक का, यहां तक का जो कोण उन्नीय कोण है वो 45 डिग्री, 45 डिग्री। पता करना, पता करो झंडा कितना ऊंचा लहरा रहा, पता करो कुड़ी कौन सा नजर घंटा कर दी इधर। तो ये हमें पता, हमें पता करना है जो झंडा नो कितने ऊंचा लहरा रहा, मान लो ए इसका नाम बी, हमें पता करना जो बी सी झंडा ना, बी सी जो झंडे की ऊंचाई है वो कितनी, ये पता करनी। तो पहले से निकाल लेंगे, फिर एक बार तो इस वाले में ले लेंगे, एक बार किस में ले लेंगे, एक बार तो इस वाले में ले लेंगे, एक बार बड़े वाले में ले लेंगे, तो दोनों में लेकर हम तो यही जाएगा काम, एक कर तो बहुत बार ले चुके ना, ठीक है ले चुके ले चुके। अच्छा आदत पड़ेगी, आदत छूट भी जा, बी ए पी में बाप में त्रिभुज बाप, बी ए पी में बाप, मामन लेते ना ना बाप ही ठीक है, देखो बी ए पी बाप में टेन थीटा बराबर लंबटे आधार, ये तो सूत्र हो, टेन जियो का त्यों, ये थीटा का मानो, यहाँ से लेके यहाँ तक का थीटा का मानियो 30 डिग्री तक इसकी जगह लंब, यह पूरी यह लंबाई है ना, बड़ी कोण है 10, आधार का मान, ये आधार का मान पता नहीं, पी ए पी के नहीं, पी ए पी ए पी लिए पी ए, ठीक है 33 का मान 1/√3 सच में 10/√3। राहुल भूत बात दिखाई दे रही है, अब उस भी बात नहीं देखी, अगली बार दिखाई देना तो मेरे नंबर मोबाइल नंबर देना 99 27 29 34 28, अगली बार दिखाई दे जाना तो ये नंबर है मेरा। हाँ
उसको नंबर दे देना मेरा यार कि भाई जी फोन करो कुछ बात करनी है। ठीक है, बराबर 10 रूट देख लो इधर, यू आर 10√3, 10√3 मीटर। यहाँ तक की दूरी निकल गया, कोई दिक्कत? कौन से में लिया एक बार पहले वाले में, अब कौन से में लोगे? बड़े वाले का नाम बता दो। त्रिभुज सी ए पी कैप, सी ए पी में। अब जब इसमें ले ही लोगे तो ये बताओ कौन सा लगाओ, टेन थीटा बटे आधार। अब बताओ थीटा का मान बड़े वाले त्रिभुज में कितना? ठीक है, फिर तो टेन जो कहती हूँ 45 बराबर। एल का मान बताओ, लंबाई यहां तक लेके यहां तक की टोटल की, 10 प्लस के एक्स, 10 प्लस के पक्की बात है, 10 प्लस के आधार, यहां तक लेके आधार की लंबाई कितनी यहां तक की? 10√3। ऐसे ना काट दियो, बर्बाद हो जाओगे, एक बहुत दुनिया बर्बाद होगी। एक बराबर 10 प्लस के एक्स पूरे बटे में 10√3, इसकी गुणा कर दो, 10√3 बराबर 10 प्लस के एक्स, 10 प्लस का दर्जा का माइनस का, इवेटा का एक्स बराबर 10√3 माइनस के 10, एक्स बराबर बैठा 10 इसमें 10 इसमें कॉमन ले लो, बैठा का √3 माइनस के 1 मीटर, इसके पीछे मीटर लिख देना, कोई दिक्कत आने तक? किसका मान है? एक्स का, कोई दिक्कत तो नहीं आने तक? पता लग गया, जो खंभे के ऊपर जो झंडा लगा हुआ इतनी मीटर ऊंचाई पर लगा हुआ खंभा, कोई दिक्कत? आसान सवाल लगने लगे होंगे, जैसे 4-5 बजे पर प्रैक्टिस करोगे ना और भी आसान हो जाएंगे। नोट करो, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुमंजिला इमारत बोलते हैं, बहुमंजिला इमारत, बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुत बड़ी वजीवा, और उसके छत पर खड़ी हुई कोई, ठीक, अरे एक छोटी सी बिल्डिंग हमारी यहाँ भी है, ये हमारी छोटी सी बिल्डिंग है, यहाँ मैं खड़ा हुआ, समझाएंगे, मैं नहीं देखता किसी को, समझ देखते नहीं किसी को, तो 8 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक, और उसके तल है, तल दिख रहा है उसका, 8 मीटर ऊंचा भवन है। अच्छा, तो यहाँ डबल डबल कोण बनना, देखो डबल डबल कोण, देखो क्या क्या हो रहा है, बेटे पढ़ लो, कुछ नहीं मिलने का, मजाक नहीं कर रहा, 8 मीटर ऊंचा भवन है हमारा घर, 8 मीटर ऊंचा, एक ही कमरा हमारे यहाँ, हम गरीब से आदमी, सीढ़ी बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुत सारे फ्लैट है उसमें, करम भाई देखा मुझे, कभी यहाँ तो देखा, कभी यहाँ तो देखा, जहाँ कभी यहाँ तो देखा, कभी यहाँ तो देखा, देख रही, देखने रही, देख रही, देख कर जो देख रहा, मैं तो नहीं देख रहा ना, मेरी आदत खराब नहीं है ना, ठीक ठीक, ये कितना 8 मीटर है, ये कितना, ये भी 8 मीटर है, ए बी सी डी, इसका नाम क्या है, ई, ऐसे बचो, मैं नहीं देखता, मैनू देख रहा, मैं यूं देख रहा था बस, मुझे क्यों देख रही, समझ आई बात, क्यों ऐसा कुछ है नहीं ना मेरे मन, चुप जाओ, एक तो बना रही वहां तो देख, दो तो खड़ी हुई, दोनों बहने वही खड़ी हुई, एक तो बना रही पता कितनी डिग्रिया कोण, एक तो बना रही 30 डिग्रिया कोण, 30 डिग्री का अवनमन कोण बना रही, अवनमन कोण, यहां बनेगा अवनमन कोण कितने डिग्री का, और एक बार में नीचे उतर के आएगा, मैंने कहा नीचे जाने भलाई, मैंने नीचे भाग गया तो ऊपर खड़ा होगा बर्बाद हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, मैं नीचे आ गया, उन नवाबी ने मैं नितब बना रही हो 45 डिग्रिया कोण, गरीब बेटे कहाँ जाएगा तू, ले 45 डिग्रिया कोण, समझे, यही देखना शुरू कर दिया, फिर उन्होंने, मैं नीचे उतर के आएगा ना, 8 मीटर ऊंचा हमारा कमरा, हमारा जो बंगला उसके ऊपर मैं खड़ा हुआ, वो वहाँ खड़ी हुई टोप, उनकी बहुत बड़ी बिल्डिंग, और वहाँ से देख रही मुझे, भैया भैया छत पर खड़ा हुआ था, मैंने क्या चाहिए, मेरे हाय ना जो चुप हो जाओ, कितने डिग्री कौन बनेगा, 30 डिग्री का, 30 डिग्री ऊपर से नीचे देख रही, ऊपर से नीचे देखने में जो कौन बना ना, वो अवनमन कौन, तो 30 डिग्री का अवनमन कौन बनाया, ये 45 डिग्री का हिसाब सा, तो जो भी 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 होगा तो कितना होगा, 45 डिग्री, कितना, ये बात बता दो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, 45 डिग्री। अब जरा 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 एक बात,
अच्छा जरा के बारे में बताया ना तुमने, जरा कौन थी? जरा फ्रेंड थी मेरी सच में। तो और क्या करूँ, और का सही बताऊँ क्या क्या हुआ था। ये पूरी लंबाई निकालनी थी, बहुमंजिला जो इमारत है उसकी लंबाई टोटल कितनी है। तो जरा एक बात बताओ, जरा सुनो, पूरी निकालनी हमने सीढ़ी, क्या निकालनी? तो सीढ़ी कैसे निकलेगी बेटे, देखो कैसे निकलेगी, आठ तो ये भी आठ हो जाएगी। अब सवाल इस वाले त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है, तो इस त्रिभुज यहाँ तक की ऊंचाई हमने एच मान ली, चलो यहाँ तक ही, समझ गए एच। जरा एक बात बताओ मुझे, ध्यान से सुनना चाहते भाई, भाई बे ए बब्बू इधर, ये त्रिभुज है, त्रिभुज दिख रहा हो, किसी तरह वाली दूरी पता लगेगा, अगर यह दूरी पता लग जाएगी तो यह पता लग जाएगी, अगर यह पता लग गई तो वाली पता लग जाएगी, फिर दोनों जोड़ देंगे और मामला फिट। समझ रहे क्या हो रहा है, दोबारा फिर समझ लो भाई। देखो कोई ऊपर ताजा खुदा का बंदा या बंदी, यह वाली दूरी बता दो मुझे, जितनी यह दूरी होगी इतनी यह दूरी होगी, और जब यह दूरी निकल जाएगी तो वाली फिर आराम से निकल ही जाएगी, और जब यह निकल जाएगी दोनों को जोड़ देंगे और बच गए, नहीं मामला फिट आगे बजाने। अब क्या करूं मैं, अब मैं क्या करूं भाई, चले चलो जिंदगी में दर्द क्या देख ले ओ, पहले सारे त्रिभुज ले लो, ले लो सी बी डी में त्रिभुज, सी बी डी में। अब बताओ इस त्रिभुज के अंदर ये थीटा के सामने भुजा लंब नहीं होती है, या धार नहीं होती, लगाओ बेटा लगाओ। अच्छा एक काम करो, इस एक्स मान लो, तो जब ये एक्स होगी तो यहाँ तक की भी कितनी होगी, क्योंकि आयत की यही तो खास बात है, आयत तो आयत ही थी, आयत की आमने सामने भुजा बराबर हो, आयत की यही खास बात हो, ठीक है। आयत की आमने सामने भुजा क्या हो, या भुजा से भुजा बराबर नहीं होगी, भुजा नहीं है भुजा, अभी आप मुझे पूजा की याद, या एक्स होगी तो अब कितनी होगी, एक्स होगी। तो त्रिभुज का नाम बताओ, उसका त्रिभुज का नाम, पहले नाम तो बताया, सूत्र लगाओ उसको, टेन थीटा का, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन जियो का क्यों, थीटा का मान, थीटा का मान 45 बराबर लंब का मान याद लेगा तक पूरा बताओ, लंब का मान कितना, टोटल 8 प्लस एच, देखो गार्गी भी समझ में आ रहा है, गार्गी की भी 8 प्लस क्या एच, आधार कितना, आधार हमने एक बात सुनी, टेन 45 का मान एक हो, सही सुना है, 8 प्लस क्या एच, किसी का मन तो नहीं कर रहा 8 में एच जोड़ का 8 एच, ये बदतमीजी खेला नहीं है, एक्स एक्सिकम सच्ची किसका मान निकल गया, वो दिक्कत कहां तक बता दो। अब जब कौन सा त्रिभुज में लेंगे, कौन सा त्रिभुज, ए ई सी में त्रिभुज, नौ त्रिभुज ए ई सी में, दोबारा फिर लगाओ टेन का सूत्र, टेन थीटा बराबर सूत्र लंब बटे आधार। अब इस त्रिभुज में देखो, इस वाले त्रिभुज में देखो लंब कितना एच, आधार कितना एक्स, थीटा का मान कितना, थीटा का मान 30, लंब का मान कितना एच, आधार का मान एक्स, वो दिक्कत है यहां तक, हो पता नहीं, 1/√3 राहुल बोल रहा क्या, चल शाबाश बेटे शाबाश, एक्स इसके से गुणा कर दो, एक्स बराबर √3 एच, इसे समीकरण एक मान ले, इसे समीकरण दो मान ले, जहां एक्स दिख जा ये लिख सकते हैं, जहां एक्स दिख जा ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बोलो यस सर, रख दो समीकरण एक, लिखो समीकरण एक, समीकरण एक से, एक से समीकरण एक बुलाओ, कहाँ समीकरण एक, एक्स बराबर एक्स की जगह कितना लिखना, एक्स की जगह कितना लिख देंगे, रूट बराबर एच प्लस का दर्जा का √3 एच माइनस के, एच बराबर में कितना 8, एच का मान निकालना, एच इसमें भी एच इसमें भी, एच ले लेंगे कॉमन, बैठेगा √3 माइनस के 1 बराबर 8,
यू गुणा में जाकर चला जाएगा बेटे भाग में, एच बराबर बैठेगा आठ बटे रूट तीन माइनस के वन, वो दिक्कत है। अब इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, आसान बनाएंगे इसे, समझ में आई बात है। जो चीज गुणा में देंगे जाकर भाग में चलेगी, भाग का मतलब बटे में चली गई, ऐसी प्रैक्टिस करनी है। देखो हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, रूट तीन प्लस के एक बटे में रूट तीन प्लस के एक, इसे कैसे करते हैं इसे भी समझ लो। आठ इसके आगे लगा जाएगा और इसका मैंने तुम्हें बताया रखा कैसे करेगा। देखो एच बराबर में आठ इसके आगे लगा दो, लगा दोगे आठ रूट तीन प्लस के एक पूरे के बटे में, रूट तीन की रूट तीन में करेंगे तीन नहीं जाएगा, माइनस के एक, एक ही कम कितना बैठेगा एक, तो एच बराबर बैठेगा बेटे आठ ब्रैकेट रूट तीन प्लस के एक और पूरे के बटे में तीन में घटाएंगे तो बैठेगा दो और दो चौक आठ चार आया, तो एच का मान निकल गया, एच का मान चार रूट तीन प्लस के एक मीटर। ये एच का मान आया, केवल ये एच का मान आया, बहुमंजिला इमारत जावा जावा खड़ी हुई ना, खड़ी होकर मुझे बर्बाद करने पर लगी हुई, यहाँ यहाँ तक की लंबाई है, ये भी बोल गया चार रूट तीन प्लस के वन और मीटर तक, जहाँ मुझे बर्बाद करने पर लगी, सीढ़ी की लंबाई निकाल लो, आया समझ में, जहाँ मुझे बर्बाद करा गया। एच प्लस के कितना है, एच प्लस के आठ नहीं है, सी डी पूरी लंबाई निकालनी, एच का मान निकल, तो यहाँ चार रूट तीन प्लस के वन प्लस के कितना आठ, बैठेगा नहीं भीतर ले जाओ उस सी डी बराबर, जहाँ मुझे बर्बाद करा गया पूरी लंबाई निकाल के दिखाऊंगा, आया समझ में, चार रूट तीन प्लस के चार प्लस कितना बैठेगा आठ, गुणा होगी यहाँ तक चार, इसमें गुणा होगी फिर चार एकम चार होगी, आठ चार कितना हो जाएगा बारह हो जाएगा, जहाँ मुझे बर्बाद करा गया चार रूट तीन प्लस के बारह, चार इसमें भी कॉमन ले लो, सी डी बराबर आ जाएगा चार कॉमन लेकर रूट तीन प्लस के चार तिया तीन, इतना भी छोड़ना लगेगा आंसर, इतने पर लगा आंसर छोड़ना, ये हमारा आंसर होगा। वह बंदी मुझे वहाँ यहाँ तक खड़ी होगी, इतनी इतनी ऊंचाई पर खड़ी होगा ना, मेरी तरफ 30 डिग्री का और 45 डिग्री का कोण बनवाएगा, उन्होंने मुझे बर्बाद कर दिया, बहुत बड़ा सवाल था। मैडम जी इधर, मैडम जी मैडम जी मैडम जी मैडम जी, कौन थी कौन बोल रहे इस तरह, गदर बोल रहा, ऐसे शाहरुख खान की एक्टिंग है, पारो मुझे मत मारो, ए पारो नहीं जी सकता, ए नहीं खाना नहीं, ए नहीं जाऊंगा, ए रहने दो, चलो जाओ किरण, कितने सवाल हो गए, 20 21वां सवाल, और जो 21वां सवाल है ना ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, एक सवाल एक प्रकार का, और तुम बताना तुम इसे कर सकते हो नहीं कर सकते हो, मैं 10 समझाऊंगा सवाल को और तुम बताने देना तुम्हारी इतनी एबिलिटी या क्षमता है नहीं है इसे कर सकते हो, इसके जैसे मैंने कोई सवाल करवाया नहीं करवाया, ठीक चलूं? चलो मान लो, देख तुम बताना ये सवाल कर सकते हो, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, ठीक एक समतल जमीन एक मीनार इसकी छाया इधर पड़ रही, जब छाया यहाँ पड़ रही यहाँ पीछे सूरज होगा छाया होगी, सूरज और ऊपर चला जाएगा छाया यहाँ चली जाएगी, और छाया के बारे में बताने कोई जरूरत नहीं है, छाया कौन थी, अगर चलो इसका नाम ए इसका नाम क्या बी, छाया छाया का और मुलाकात दिल्ली में हुई थी, इसकी तरह 60 डिग्री का कोण हुआ यहाँ, समझ में आया बात है, उसके बाद थोड़ा मामला आगे चला गया, उसके बाद फिर हमने रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाया, तो फिर छाया की लंबाई भी नहीं पड़ गई, देखो छाया की लंबाई कितनी पड़ गई यहाँ, तो यहाँ तक की दूरी 40 मीटर है, ये कोण बना कितने डिग्री का 30 डिग्री का, ऐसा बन छाया जैसे जैसे पास जाएगी ना तो कोण बढ़ता चला जाएगा, और जैसे छाया जैसे जैसे पास आई थी ना मेरी जिंदगी खराब होती चली गई, समझ में आई बात, या ठीक है छाया जैसे जैसे समझ गए ना, ठीक ए बी सी इसका नाम है बेटे सी, इस पॉइंट का नाम है डी, पता क्या करना पता करो इसकी ऊंचाई कितनी है ये निकालना, अच्छा पता करो ये करना, तो पहले एक बार इसमें ले लोगे ये दूरी कितनी मान लोगे एक्स, एक बार तो इसमें ले लोगे और एक बार किस में ले लोगे बड़े वाले में, फिट करके आंसर निकाल सकते हो, कोशिश कर सकते हो, अगर नहीं करोगे ना ऐसा समझ में नहीं करोगे तो फिर मार खाओगे मेरे पर, इसलिए चुपचाप कर लेना, एक बार तो इसमें लेना और एक बार किसमें लेना बड़े वाले में, इसके जैसे बहुत सारे सवाल करवा रखे समझे, तो इसमें मीनार की ऊंचाई निकालनी, एच का मान देखो किस तरह फिट करके निकाल लोगे, इसके जैसे सेम सवाल करवा भी रखा मैंने, नोट करो चलो घर से करना है खुद, हाँ
एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन समझ लो, फिर मैं तो समझाऊंगा कि नोवा चैप्टर तुम कैसे पढ़ोगे। तुम मैं 20-22 सवाल पढ़ने के बाद ना तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तुम सारे सवाल कर लोगे, प्रोमिस, आई प्रोमिस टू यू, गारंटी था। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे करोगे तुम, सच में तुम मेरी जरूरत है, तुम सारे सवाल कर लोगे, नोवे चैप्टर के सारे सवाल कर लोगे, सारे उदाहरण कर लोगे, एक भी सवाल मेरी जरूरत नहीं है तुम। लेकिन कितने सवाल करवाने के बावजूद, 22 सवाल करवाने के बावजूद, एक 22वां सवाल देख लो, एक नदी के पुल के एक बिंदु से किनारे आमने सामने, ठीक है, एक नदी के पुल, पुल इस टाइप का होगा, इसके नीचे जा रही नदी, समझ गए, ठीक, ऊपर यहां सड़क होगी, सड़क यहां कोई बिंदु होगा, कोई दिक्कत, यहां जो कोण बनना है वो 30 डिग्री, कितने डिग्री, 30 डिग्री, और यहां जो कोण बनना है ना, यहां एक बिंदु होगा बी, ये ए है, ये बी है, ये प्रारी कैनल है, नहर है, ऐसा समझ में, समझ गए, इसके नीचे जा रहा पानी, हाँ और कितने नीचे जाएगा पानी, कोई दिक्कत, ध्यान रख, इसका नाम डी हुआ, कोई दिक्कत, जो पुल है ना वो 3 मीटर ऊंचा, ये वाला कोण 45 डिग्री, तुम बताने सवाल में फीलिंग आ रही नहीं है अभी, ठीक, नदी की चौड़ाई बतानी कितनी होगी, ये वाली दूरी पता करनी, एक तो ये वाली दूरी बताओ, ये कौन 30 है तो ये कितना होगा, ये 45 है, ये भी ये बताओ, ये मुझे तो पता ही, मुझे ये वाली, तो जब ये पता तो रामता निकल जाएगी, और जब ये पता तो अभी रामता निकल जाएगी, फिर दोनों जोड़ देंगे और नदी की चौड़ाई पता लग जाएगी, कर सको, कर सको, एक बार तो इसमें ले लोगे या निकल जाएगी, और एक बार इसमें ले लोगे या निकल जाएगी, ये दोनों जोड़ देंगे, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा, ए तुमने दोबारा करो, ऐसे करो, हो जाए राहुल तमीज, ऐसे करो, कर दोगे, करवाने की जरूरत नहीं है, फिर दो बार लेना ना, एक बार इसमें ले लो, एक बार इसमें ले लो, या निकाल लो, दोनों जोड़ दो, नदी चौड़ाई निकल जाएगी, वही ओके, दिक्कत नहीं है तक, यहाँ तक पहले नोट करो, चित्र को नोट करो, जल्दी 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 जल्दी, फिर देखो मैं तुम्हें क्या खिलाता हूँ आज। अब एक काम करो, जो मैंने तुम्हें सवाल करवाए ने, जैसे मैंने तुम्हें सवाल करवाए हैं, ऐसे ही सेम सवाल ना इस चैप्टर के अंदर मौजूद है। अब हम हमारे पास किताब होनी चाहिए, और किताब के अंदर ना हम वो सारे सवाल करेंगे जो इसके अंदर मौजूद है। जब हम 9.1 एक्सरसाइज खोलते हैं ना, अब हम 10th क्लास में आ गए और ये 9.1 एक्सरसाइज खोलते हैं, पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा करके हमारे पास 16 सवाल है, और 16 सवाल और 7 उदाहरण, तो 16 और 7 कितने हो बताओ, जोड़ोगा 16 और 7 कितने हो, 16 और 7 23 हो, बात पक्की बात है, लेकिन मैंने बोर्ड पर कितने सवाल करवाए, 22, यानी पक्की बात है, कोई मैंने एक सवाल छुड़वाया होगा, मैंने सारे सवाल यही करवाए जो किताब के अंदर मौजूद थे, तुम्हें पता भी नहीं चला, ऐसे समझ लो, मैंने सारे सवाल वही करवाए जानबूझ कर जो किताब के अंदर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कुछ चीजें छुड़वाई जिसे कहते हैं हिंदी लिखना सवाल में, नहीं तो मैंने प्रत्येक सवाल का आंसर निकलवा कर रख दिया, उदाहरण सही निकलवा कर रख दिया, 15वां सवाल मैंने तुम्हें छुड़वा दिया, ऐसा करवाने के नहीं आप, हाँ करवाऊंगा बाद में जब इंपॉर्टेंट सवाल करवाऊंगा, 15वां सवाल तब करवा दूंगा, बात समझ में आई, एक सवाल छुड़वाया 15वां, बाकी सब करवा दिए, लेकिन बोर्ड में किस तरह करने, अगर बोर्ड में इस तरह करोगे जिंदगी में कभी नंबर नहीं मिलने के, बोर्ड में किस तरह करना वो तुम्हें अभी मैं तुम भी करके दिखाओगे और मैं भी करके दिखाऊंगा, अब बताऊंगा मैं कौन कौन सा सवाल कौन कौन से नंबर पर करवाया, कितने सवाल करवाए मैंने आज तक, 22, अब 22वां सवाल तो मैंने करवाया, तुम पहले नंबर पर जो सवाल करवाया था ना मैंने तुम्हें, सबसे पहली बार वो अपनी रफ खोलो, सबसे पहला सवाल देखो, चलो अपनी रफ खोलो, सबसे पहला सवाल देखो, चलो जब मैंने तुम्हें सवाल करवाया था पहली क्लास में, पहले लेक्चर याद करो, पहली वीडियो का, पहला क्लास का सबसे पहला सवाल याद करो, उसमें देखो क्या लिखा हुआ सवाल, बता सको कोई, 15 वाला सवाल था, 60 डिग्री का कोण बनना था, पक्की बात है किसी की सवाल, 15 मिनट नहीं है, 15 मीटर वाला, 15 मीटर में क्या कर लेगी तू, ओ यहां देख के चलो, चले सवाल की तरफ, चले चलो सवाल की तरफ, एक्चुअली जो तुम्हें मैंने सवाल करा था ना पहले नंबर पर, जो मैंने कहा था एडवांस सवाल है, वो एडवांस नहीं आया था बाबू, वो पता क्या था, वो उदाहरण नंबर एक था, उदाहरण नंबर एक सेम सवाल पढ़कर दिखाता हूँ, देखो ऑनलाइन देखो ऑनलाइन, बिल्कुल साफ साफ सवाल दिखा रहा हूँ तुम्हें, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है,
धरती पर एक मीनार, अब इसका चित्र बनाता हूँ। हर सवाल को ऐसे ही पढ़ना, उसका चित्र बनाना, सारे सवाल फिर कॉपी में ऐसे लिख कर लेकर आने जैसा अब लिखूंगा मैं। सारे सवाल करवा दे मैंने तुम, समझ में? बस हिंदी नहीं लिखवाई स्टार्टिंग में, और उसे हिंदी को लिखने पर नंबर मिलेंगे बोर्डों में, समझ में आया बात या? देखो ध्यान से चित्र, तो एक एक सवाल की एक लाइन तमीज से पढ़नी है आज, घर बैठ कर कॉपी बैठ कर, पूरे दिन का यही काम होगा आज का कल का, समझ में आया बात या? पूरे चैप्टर की धज्जिया उड़ा कर लानी, 6 नंबर पक्के हो गए, समझ में आया बात? ठीक, फिर कॉपी में हो जाना चाहिए। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो मैंने तो पहला सवाल करवाया था ना, वो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था, और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पर जाता हूँ मैं, और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के बाद ना जिस तरह मैं कहूंगा इस तरह चलना। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, अच्छा धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी, ये मीनार है देखो, धरती पर एक मीनार है ऊर्ध्वाधर खड़ी, इसका नाम उसमें सवाल में दे रखा, खुद ही सुना, ये दे रखा है, ये सी है, ये डी है, ये सी, यहाँ इसने माना का, अच्छा इसमें चित्र नहीं दे रखा, चित्र नहीं दे रखा तो खुद बनाना पड़ेगा। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी, इसका नाम हमने मान लिया ए, इसका नाम क्या मान लिया बी, ऊर्ध्वाधर खड़ी, ऊर्ध्वाधर का मतलब सीधी खड़ी हुई, ठीक। उसके बाद धरती के एक बिंदु से, धरती पर कोई एक बिंदु होगा, एक बिंदु से जो मीनार के शिखर के, मीनार के आधार से 15 मीटर दूर है, मीनार के आधार से 15 मीटर दूर है, मीनार का आधार यहाँ से 15 मीटर दूर है, बिंदु है नहीं 15 मीटर दूर। उसके बाद सवाल में कहा गया मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार, ये मीनार का शिखर भी है वाला है नहीं, उसका उन्नयन कोण कितने डिग्री दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये सवाल में क्या रखा? तो बता क्या करना, मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, तो मीनार की ऊंचाई हमने पता है कितनी एच मान ली, बताओ जो तुमने, तुम्हें मैंने सबसे पहली बार सवाल करवाया था वो सेम सवाल था, बन गया नहीं सेम सवाल, लेकिन अब तो कर लोगे सर, कर तो लोगे सर, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, नंबर नहीं मिलेगा। अब देखो यहाँ क्या लिखना, जो सवाल के अंदर मौजूद है सब ध्यान से सुन लियो, दो नंबर तुम सवाल से देख, सवाल तो देख कर निकाल सको, सवाल तो देख कर, सवाल मुझे लिखा हुआ देखो, सवाल मैं क्या लिखूंगा, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो मैं लिखूंगा है नहीं, माना धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, सवाल को देख कर चलूंगा, सवाल को, अब मीनार का नाम क्या दिया हमने, इबिन दिया, तो मैं लिखूंगा माना, ये है तो नहीं, सब चीज मैंने माना, माना धरती पर, ले धरती जो कहा ना, सवाल मैं देख कर लिख रहा हूं मैं, तुम हर सवाल पर देख कर लिखना इस तरह, हेलो भाई साहब, हेलो सवाल मन देख कर चित्र मत देख कर लिखना, सवाल और चित्र, सवाल और चित्र, दो नंबर फ्री फंड के, दो नंबर फ्री फंड, दो नंबर फ्री फंड के, माना धरती पर, धरती पर एक मीनार, मीनार ए बी, नाम भी तो अच्छा नाम ए बी खड़ी है, जो बहुत लंबी, जो जो बहुत लंबी है, खड़ी है, घड़ी घड़ी, मीनार ए बी खड़ी है, खड़ी है, पड़ी तो नहीं, खड़ी दिक्कत है यहाँ तक। उसके बाद देखो अगली लाइन पढ़ता हूँ, धरती के एक बिंदु से मीनार के आधार का आधार 15 मीटर की दूरी पर, यानी बिंदु भी बिंदु सी है, ऐसे लिखेंगे, धरती पर एक बिंदु सी से बी तक की दूरी 15 मीटर है, ऐसे लिख दो, ये बी सी का मान 15 मीटर है, ये ऐसे लिखो, सबसे बढ़िया लिखोगे मीनार के आधार से बिंदु सी तक की दूरी 15 मीटर है, ये लिखो, ये लिखनी पड़ेगी यहाँ, चित्र में देखो, जो चित्र में ना है ना वो सब यहाँ लिख देना, धरती पर एक बिंदु सी, एक बिंदु बिंदु सी से आधार, आधार 15 मीटर दूर है, आधार 15 मीटर दूर है, जो चित्र में वही चरित्र में दूर है, याद रहेगी बात या? जी। हम क्या याद कर, हमने बताओ मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना, यहाँ लिखोगे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण 60 डिग्री है, हमें क्या याद करना, मीनार की ऊंचाई, हमें मीनार की ऊंचाई याद करनी है, जो चित्र में दिखाई दे रहा है वो लिख दो, या जरूरी है सबसे लास्ट में लिखियो, जो हमें याद करना सबसे लास्ट लाइन में वही लिखियो, बाकी पहले कुछ भी लिखते चले जाओ, जरूरी तुम्हें लिखो माना धरती पर एक मीनार ए बी है, ऐसे लिख सकते, ऐसे लिख सकते अपनी लैंग्वेज में, माना एक मीनार ए बी है, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है, ऐसे समझ में, ऐसे लिखो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार के आधार से बिंदु सी तक की दूरी 15 मीटर, 15 मीटर है, अपनी भाषा में लिखना, अपनी लैंग्वेज में, कॉपी में तो मानना बिल्कुल भी, क्योंकि अगर सारे सवालों की जितनी भी थ्योरी पढ़ाई ना मैंने 22 के 22 सवाल, सबकी थ्योरी तुम्हें खुद लिख कर लेगा नहीं घर तक, अभी दो सवालों की लिख कर भी दिखानी मुझे भी, समझ में आया बात या? ठीक, जिसकी मैं बताऊंगा तुम्हें, इसे ध्यान से समझ लियो, और सब कोई किसी कॉपी में देखने का, इसलिए गौर तो समझ लो, ठीक है, मैं फॉर्मेटिंग करवा देखो, पूछूंगा बता इसमें क्या लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे जी, जो चित्र में दिखा देख कर बता सकते, पूछूंगा क्या है जी, एक मीनार पूछूंगा, इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना जी 60 डिग्री, यही बात है लिखनी, इसे शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, पूछो एबी एक मीनार, तो मुझे क्यों बता रहा वहां लिखना एबी एक मीनार, मैंने पूछा सर, मैंने पूछा यहाँ तक लेगा यहाँ तक की दूरी कितनी, मीनार के आधार तक लेगा यहाँ तक की दूरी कितनी 15 मीटर, तो मुझे क्यों बता रहा है सी तक लेके बी तक की दूरी 15 मीटर वहाँ लिख, वही थ्योरी और क्या थ्योरी है, घुस गई दिमाग में बात, समझ में ये बात है, जो चित्र में ना वो चरित्र में, बस समझ में आया, लास्ट में जाकर वही लाइन लिखनी, हमें याद क्या करना, हमें मीनार की ऊंचाई याद करनी है, मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई का नाम क्या दे रखा है एच, ज्ञात करनी, ज्ञात करनी,
है। उसके बाद लिखा है सवाल में हल, हर सवाल का यही तो तरीका होगा हल। अभी बताओ इस सवाल का हल कर सको नहीं कर सकते, फिर हम पता कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में करवा रखा सरा, फिर क्या सूत्र लगा देंगे टेन थीटा बराबर, टेन थीटा का मान कितना 60 नहीं है 60, फिर तो खुद ही स्टार्ट हो जाए। इसके बाद तो मैंने सारे करवा रखे हल, तो मैंने तुम सारा करवा रखा है, बस मैंने किसी सवाल को तुम थ्योरी लिखवा रखी। और आज मैं थ्योरी थ्योरी खेल लेंगे, आज हम क्या खेल लेंगे थ्योरी नहीं थ्योरी थ्योरी, जो एग्जांपल नंबर फर्स्ट है ना, जब मैंने तुम्हें एडवांस सवाल करवाए थे वो मेरा क्वेश्चन नंबर एक, तो फिर क्वेश्चन नंबर दो कौन सा, क्वेश्चन नंबर दो कौन सा भाई जी, एग्जाम्पल नंबर जो दो है ना वो क्वेश्चन नंबर कौन सा नहीं है, मैंने क्वेश्चन नंबर दो के नाम पर एक्सरसाइज का 9.1 का पहला सवाल करवाया, समझ गए, उसके जैसे सवाल करवाया जान पूछ कर, बात समझ में आई बात है, इसके जैसे सवाल करवाया। तो जो मेरा क्वेश्चन नंबर दो है ना वो तुम्हारी किताब का ना नो फेमाते स्टार्ट हो जाएगी, कहानी स्टार्ट हो जाएगी तुम्हारी, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, पांचवा सवाल, समझ गए, जो मैंने तुम्हें सवाल करवाया, जो मैंने दूसरा सवाल करवाया ना तुम दूसरा सवाल वो समझ जाओ, वो तुम्हारी एक्सरसाइज का पहला सवाल है, जो मैंने तुम्हें तीसरा सवाल करवाया ना वो तुम्हारी एक्सरसाइज का दूसरा सवाल है, जो मैंने तुम्हें चौथा सवाल करवाया ना तुम्हारी एक्सरसाइज का तीसरा सवाल है, समझ गए, फिर उसको कहानी स्टार्ट होगी। अभी खेल लेंगे, पहले एक काम करो इसे थ्योरी को लिखो, अभी खेल लेंगे घर आओ ना, पहले से थ्योरी को लिखो, चलो इधर देखो हटा दो सर, कर लोगे, पीछे वीडियो में करवा रखा हो। अब जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन नंबर दो कराया था, जो मैंने क्वेश्चन नंबर दो करवाया था ना वो पता क्या था एक्चुअली में, वो हमारी 9.1 एक्सरसाइज है ना उसका पहला सवाल था। देखो अपना क्वेश्चन नंबर दो तो खोल लो, जहाँ तुम क्वेश्चन नंबर दो करवाया था तो क्वेश्चन नंबर पहला आयो 9.1 एक्सरसाइज का, 9.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की स्टार्ट होगी, उसका जो पहला सवाल है ना वो मेरा क्वेश्चन नंबर दो था, वो मेरा क्वेश्चन नंबर दो था, समझ गए, जो मैंने तुम्हें करवाया था। यह बात सबकी समझ में आ रही है ना, मैं क्या चल रहा है, क्या चल रहा है सीन। अब मैं सवाल पढ़ने जा रहा हूँ और उसकी थ्योरी बताना कैसे लिखोगे, ठीक, और चित्र कैसे बनाएंगे, किसी सवाल में चित्र नहीं दे रखा है लेकिन मैंने तुम्हें सब बनवा रखे, मैंने तुम्हें सब बनवा रखे, समझ में आई बात, या वीडियो पढ़े हुए चारों चारों चुपचाप जाकर खोल कर देख लियो कि ये सवाल किस तरह बताया था, किस तरह बताया था, लेकिन तुम्हें सवाल की थ्योरी अभी दिक्कत बतानी होगी, एक बच्चे का नंबर लगा इसमें क्या लिखूँ, समझ में आई बात, या तो ध्यान से देख लेना, सर्कस का एक कलाकार, फिर कॉपी में सर सवाल में थ्योरी लिख कर लेकर नहीं, काम ही हुई है, पहले रफ में लिखनी, चेक करवानी है, कोई बात नहीं दोबारा कर ले, फिर दोबारा फिर करने सारे सवाल ये थ्योरी सहित, कोई दिक्कत थोड़ा ही, प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर कॉपी में दोबारा फिर करने सारे सवाल थ्योरी सहित ही है, ऐसा हर सवाल की थ्योरी सर, देखो सवाल एक एक सवाल को तमीज से पढ़ना, घर बैठ कर एक भी लाइन समझ में नहीं आ रही दोबारा पूछनी, ये बताओ जी इसमें क्या 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 करना चाह रहा सवाल, ये समझ में नहीं आया, और नहीं समझ में आया तो फिर वीडियो देखनी यूट्यूब पर जाकर, समझ में आया। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, तो जो मैंने दूसरा सवाल करवाया था उसमें देखिए 20 मीटर लिखा हुआ कहीं, 20 मीटर लंबी, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा, कोई रस्सी बांध रखी उसने, ऐसे चढ़ रहा उसको, सर्कस का कलाकार, सर्कस के कलाकार ही नहीं करते, 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, तनी हुई देखो डोरी बिल्कुल, समझ में आई बात या, और भूमि पर एक सीधे खंभे से शिखर से बंधा हुआ है, खंभा लगा हुआ पूरा का पूरा है था इस तरह का सवाल वो, उसके बाद बंधा हुआ है, यदि भूमि के स्तर से डोर के साथ बनाया गया 30 कोण 30 डिग्री है, यहाँ तक का कोण 30 डिग्री नहीं है, है नहीं 30 डिग्री, उसके बाद बताओ 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई याद कीजिए, खंभे की ऊंचाई याद करनी, खंभा कितना ऊंचा, सेम सवाल नहीं करवा रखा, लेकिन थ्योरी की कर लिखेंगे, थ्योरी किस तरह लिखेंगे, यहाँ कुछ नाम दे दो, नाम दे दो ए, इसका नाम कितना बी, इसका नाम क्या दे दो सी, कुछ और नाम दे दो एस एन एम, कुछ भी दे दो पी क्यू आर एस दे दो नाम, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आए बात, या बस पता होना चाहिए कौन कौन सी चीज़ क्या क्या है, ये बताओ ए बी एक खंभा नहीं आएगा जो बहुत लंबा नहीं आएगा जिसकी ऊंचाई में ज्ञात नहीं करनी का, वही बात लिखनी है, उन्होंने बताओ ए सी एक डोर नहीं आएगा जिसकी ऊंचाई की जिसकी लंबाई कितनी 20 मीटर नहीं है, 20 मीटर डोर के द्वारा भूमि पर बनाया गया उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री, यह बात सभी यहाँ लिखी जाएगी, तुम बता दो कहाँ से स्टार्ट करूँ, या सब हर सवाल में सबसे पहले लिखना पड़ेगा, माना माना अभी होता हूँ, माना ए बी क्या है एक मीनार नहीं है, मीनार है हम बायो नींद सारी उतार दूंगा अभी, माना इस यहाँ से स्टार्ट कर दो ना, माना एसी एक डोर है, माना एसी बराबर 20 मीटर लंबाई वाली एक डोर है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माना एसी बराबर 20 मीटर लंबाई वाली एक डोर है, डोर है, अब बताओ वो कहाँ बंधी हुई, खंभे बंधी हुई, डोर ए भी खंभे पर बंधी हुई है, डोर ए भी खंभे पर बंधी हुई है, सवाल में से देख कर लिखनी सारी थ्योरी, सवाल में से देख कर लिखी जाएगी सारी थ्योरी, जो जो तुम्हें सवाल में दिखाई दे रहा है मैं कहीं से लिख रहा, सवाल में से देख कर लिख रहा हूँ, सवाल में से माना देखो डोर डोर ए बी डोर ए बी डोर
ए बी खंबे से, डोर ए बी खंबे से बंधी हुई है, खंबे से बंधी, गधी नहीं है बंधी, बंधी हुई है। कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, तो डोर के द्वारा भूमि के साथ बनाया गया कोण कितना? 30 डिग्री। डोर के साथ, डोर के द्वारा भूमि पर, भूमि पर बनाया गया, बनाया गया कोण, उन्नयन कोण लिखिए, उन्नयन कोण बनाया गया, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री। वो दिक्कत है यहाँ तक? अब बताओ, जब उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो हमें क्या ज्ञात करना? हमें खंभे की लंबाई नहीं ज्ञात करनी, हमें खंभे की लंबाई ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी। वो दिक्कत है यहाँ तक? अब क्या लिखेंगे? हल, और हल हल करवाने की जरूरत नहीं है, हल तो मैंने कॉपी में करवा रखा है, हल तो मैंने सब कॉपी में करवा रखा है। अब देखो, इसका हल कर दोगे तुम? हल कर दोगे क्या? क्या करोगे तुम? करवाए नखा, क्या करोगे तुम? क्या करोगे तुम? करवा दो रखा। समझ में आया बात या? क्यों सुबह मॉडलिंग? फिर ऐसे भी करेंगे, त्रिभुज कौन सा में ले लोगे? त्रिभुज ए बी सी में कौन सा लगाओ? टैन थीटा बरा टैन ये नहीं बैठे, तुम्हें साइन का आगा, साइन का साइन थीटा बरा बैठेगा लंबटे कण, साइन थीटा बरा बैठेगा लंबटे कण, साइन झुका तुम थीटा का मान बताओ, थीटा का मान 30 नहीं है, उसके बाद लंब का मान कितना है? एच। कण का मान कितना? 20। साइन 30 का मान 1/2 बराबर कितना? एच। एच बटे में कितना? 20 है नहीं, कट जाएगा 10, एच बराबर आ जाएगा 10। खम्भा कितना लंबा? 10 मीटर ऊंचा लंबा। करवाए रखा है सारा, सारा खेल किस काज का? थ्योरी का, थ्योरी का चित्र का। और थ्योरी कहाँ से देख के लेके जाएगी? सवाल मसले याद रहेगी बात यार, काम पता लग गया होमवर्क क्या है, कितने सवाल करवाए थे? 22। 22 के 22 सवाल लोगी, थ्योरी लिख कर लेकर आनी, ले आओगे लिख कर? YouTube पर वीडियो भी मौजूद है, ऐसा समझो, जो थ्योरी नहीं समझ में आने की फिर भी YouTube पर से देख कर तब भी मेरे से पूछ सकते हो, ऐसा हो नहीं सकता समझ में आना, सारे सवाल थोड़ी कॉपी में करे हुए, समझ में आई बात? क्योंकि जब तक जिस बच्चे ने सवाल का हल पढ़ लिया, क्या वो उसकी थ्योरी भी लिख सकता? लिख सकता, सवाल मत देख कर लिखनी उसे, चित्र मत ये भी एक मीनार है, इतने डिग्री कोण बनना है, वही चीज उतार देनी उसमें, कर नहीं सकते? नोट करो सभी, एक सवाल की और छोरी लिखवा रहा हूं मैं। जैसे देखो, जो मैंने तुम्हें सवाल करवाया ना पीछे, जैसे मैंने तीसरा सवाल करवाया, सुबह बता, अगर मैंने तीसरा सवाल करवाया तो कौन सा सवाल करवाया? सुबह बता, मैंने अगर तीसरा सवाल करवाया तो कौन सा सवाल करवाया? एक्सरसाइज में बता, दूसरा 22 सवाल करवा रखे मैंने। इसी तरह जब तुम चलोगे ना, तो तुम्हारे किताब में एक सवाल दिखाई देगा 16वें नंबर का, वो तो 16वें नंबर का 16 क्योंकि मैंने 15 छुड़वा रखा। समझ गए? वो 16वें नंबर का 16 वो सवाल पढ़ दे तुम्हें पता लग जाएगा कौन सा वो। इतनी बुद्धू नहीं है तुम, समझ में आया बात है? सवाल पढ़ दे पता लग जाएगा चित्र में कौन कौन सी संख्या दे रखी है। आज पढ़ोगे ना, रगड़ रगड़ का पढ़ोगे सब, घर जाएगा तो पता लग जाएगा। सामने फोन रख कर बैठ जाना, अच्छे वाला सवाल करवा रहे थे, बहुत तेज निकले, अजीब पीस हो। सुनो, एक सवाल मेरे पास मौजूद है, जैसे देखकर जो तुम, जो मैंने तुम्हें तीसरा सवाल करवाया था, तीसरा सवाल कर लो, अंधी आने दिख पेड़ टूट गया, पेड़ वाला सवाल करवाया था एक। अच्छा सुनो ध्यान से, पहले मैं सवाल को पढ़ने जा रहा हूँ, देख लो इस सवाल को पढ़कर इसका चित्र बनाऊंगा। देखो तुम अपने चित्र, जो मैंने तुम्हें सवाल करवा रखा है उस सवाल को देखते चले जाना तुम, ऐसा ही सीन है, आंधी आने के एक पेड़ टूट जाता है, पहले एक काम करो पेड़ बना लो, तोड़ बाद में दीजिए सर। एक पेड़, मैंने पेड़ का नाम क्या दिया था? तीसरा सवाल देख, तीसरा सवाल कौन सा सवाल देख रही तू? अच्छा तीसरा, इसका नाम दे रखा था बी, इसका नाम दे रखा था सी, इसका ऊपर नाम क्या दे रखा था? ए। बिंदु सी तो टूट गया, ए भी एक पेड़ था, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ गया, इसका शिखर रहे शिखर जमीन को छूने लगा, छूने लगा, और जमीन के साथ बता दिया डिग्री कौन बना रहा है, जमीन के साथ बना रहा हो 30 डिग्री कोण, बता दिया नहीं मैंने तुम्हें 30 डिग्री कोण बना रहा, 30 डिग्री कोण बना रहा। उसके बाद बताओ, उसके बाद मैंने तुम्हें जहां पेड़ का शिखर जमीन को छुराने, यहां तक की दूरी 8 मीटर, यहां तक लेके इसके आधार बिंदु तक, आधार बिंदु ये आधार है इसका, ठीक, ए सी बी, इसका नाम है डी, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। उसके बाद तुम्हें समझाया गया कि क्या क्या चीज, छुरी, सारा छुरी का खेल, अगर हल तो खुद कर लोगे। मैंने कहा था यह दूरी निकलेगी, अगर यह दूरी निकलेगी तो जितनी आओगी इतनी आओगी, दोनों को जोड़ देंगे पेड़ की लंबाई निकल जाएगी। कई बार पेपर हमारा क्या बोर्ड में, कई बार, समझ में आया बात? सवाल थ्योरी कैसे लिखा गया?
अभी बताओ इस चित्र में पेड़ कौन सा, पेड़ पेड़ कौन सा, ए बी, पेड़ बैठे ए बी, वो कहां से टूटा, बिंदु शीर्ष, बिंदु शीर्ष से टूट कर ऐसे समझ, भूमि के साथ, भूमि के साथ कितने डिग्री का उन्नयन कोण बनाना, 30 डिग्री का। यह बात यहां लिखनी तुम, ऐसे यही बात तुम यहां लिखनी सेम, ऐसे लिखो है तो नहीं कुछ भी, माना ए बी एक पेड़ है, सिंपल भाषा में बिल्कुल, माना ए बी एक एक पेड़ है, एक पेड़ है जो बीच में से टूट जाता है, लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, इससे बढ़िया लिखोगे जो बिंदु सी से टूट जाता है, जो जो बिंदु सी सी से टूट कर, टूट कर भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, बात वही है। अगर तुम ऐसे लिख दे बिंदु सी से टूट जाता है तो चल जाता काम, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नु कहते टूटा हुआ भाग भूमि के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, तभी बात वही है। और इसी बात को मैं एक लाइन में पिरोदूंगा, दो लाइन की बात को देखो कैसे, टूटा हुआ भाग भूमि के साथ मुड़कर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, समझ गए, बात वही है, उसमें सारी बात आ गई, कम समय में, कम लाइन में, दो कम लाइन में ज्यादा बात आ गई, समझ में। तो लिखने की कला हो या धीरे धीरे डेवलप हो, एकदम नहीं डेवलप होने किया, धीरे धीरे डेवलप हो, जब तू प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे इसकी लिख कर, पता लग जाएगा ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों चित्र मन वो है थ्योरी में लिखना, अपनी मर्जी का बिल्कुल, ऐसा। और जो सवाल सामने रख, सवाल जो सामने रखकर बैठने का ना, उसके वहाँ खराब हो जाएगी। एक एक सवाल की थ्योरी चेक करूंगा कल जी। माना ए भी एक पेड़ है जो बिंदु सी से टूट जाता है, टूटकर भूमि के साथ, टूटकर भूमि के साथ, भूमि के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, भूमि के साथ, भूमि के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, याद रहा ये बात है। अब बताओ हमें क्या याद करना, हमें क्या याद करना, अच्छा ये बताओ ये वाली दूरी भी तो लिख दो, ये वाली बिंदु बी से डी तक की दूरी 8 मीटर है, इससे बढ़िया क्या बात है। अगर ऐसे लिख सकते और आसान बढ़िया करके लिखना, ऐसे लिखोगे जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ के आधार तक की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ के आधार तक की दूरी 8 मीटर है, इससे बेहतरीन क्या लिख सको, जहां जहां पेड़ का शिखर, पेड़ का टटरा शिखर, समझ गए ना तुम, शिखर जमीन को छू तो पता नहीं किसी के, जमीन को छूता है, याद रहिए छूता, याद रहिए वहां तक, वहां तक की दूरी 8 मीटर है नहीं, हमें पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की लंबाई ए बी, ए बी तो उसका नाम पेड़ की लंबाई, ज्ञात करनी है, ज्ञात, उसके बाद सवाल में क्या लिखेंगे, हल, और हल हल, हल बताने की जरूरत नहीं है, हल तो कॉपी में करवा रखा, कोई दिक्कत यहाँ तक, देखा कितना तेज हूँ मैं, आए समझ में, पहले से सब कुछ करवा लिया तुम्हें पता भी नहीं चला, समझ आई बात, इसे कहें तेज तरक्का, तेज तरक्का इंसान हूँ, समझ आई बात, नीचे का सारा हल तो कर लोगे, अरे हल तो कॉपी में यार, यूट्यूब पर वीडियो पर पढ़ा हुआ, सवाल नंबर 3 देख लो जाकर, सवाल नंबर 2-3 करवाया था मैंने तुम्हें,